ट्विस्टेड रेसिपीज़ बाय पूनम। तो आज हम क्या बना रहे हैं, हमने पहले मेरे फेवरेट दूध नमस्ते इंडिया का, उससे हमने बनाया पनीर और हमने बनाया शाही पनीर दिवाली पर। और आज मैं अपने फेवरेट ब्रांड का ही दही इस्तेमाल कर रही हूँ और हम इससे बनाएंगे दही के कबाब। बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वाद बनते हैं ये। तो सबसे पहले हमने ये 1 लीटर का पैक ले लिया है दही का, जिसको मैं इसको कट करूँगी यहाँ से और फिर इसमें डालूंगी ये मसलिन क्लॉथ में। उससे क्या होगा कि जो है पानी दही का अलग हो जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा जो दही है वो हमारे पास आ जाएगा कबाब बनाने के लिए। दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप पैकेट काटते हैं तो ये छोटा कोना जो है इसको इससे अलग ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है रिसाइकलिंग में। वो छोटा सा पोर्शन प्लास्टिक का रिसाइकल नहीं हो सकता, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए जब आप इसको कट करें तो ज़रा सा इसमें कट मारें ताकि वो उसके साथ चिपका रहे। जो बड़ा पोर्शन होता है प्लास्टिक का उसको रिसाइकल करना आसान होता है। तो ये चीज़ छोटा सा टिप है, इसको ज़रूर ध्यान दें हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो बस मैं इसको कट करती हूँ और इसमें डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और इसको फिर हम 8 घंटे के लिए मिनिमम छोड़ेंगे ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। अगर आप ओवरनाइट करना चाहते हैं तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, बट उसको फिर आप फ्रिज में रखें, नहीं तो बाहर जो है वो दही खट्टा हो जाएगा। तो चलिए पैकेट काट के इसमें डालते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी इसका दही है, कितना क्रीमी। जस्सी, इतना गाढ़ा दही है। आपने कभी घर में दही वड़े बनाने हो तो इस दही को सीधा आप मथे और अपने दही वड़े में डालें। ये दही मैंने इसमें निकाल दिया है पूरा का पूरा, गिरा हमारा खाली पैकेट। और आप पैकेट देखें मैंने कैसे कट करा इसको, ये देखिए मैंने अलग नहीं करा इसका हिस्सा। अब मैं इसको जो है पोटली को पतीले के साइड पे टांग दूंगी, पोटली बना के, और उससे क्या होगा पानी सारा निकल जाएगा इसका। और 8 घंटे इसको हमने ऐसे छोड़ना है ताकि गाढ़ा गाढ़ा दही हमारे पास आ जाए, जो कि हमें हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम उसको कबाब में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए इसकी मैंने पोटली बना दी है, ऐसे इसको उसके नीचे कर दिया और ये टंग गया। और ये देखिए इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया दही में से, ये देखिए, ये देखिए। अब ये 8 घंटे ऐसे ही टंगेगा, उसके बाद हम बनाएंगे अपने लजीज दही के कबाब नमस्ते इंडिया के एकदम क्रीमी दही के साथ। तो ये रहा हमारा कर्ड हंकर्ड। ये 1 लीटर जो हमारा दही था उससे करीबन 400 ग्राम निकला है। और आप ये देखिए कितना क्रीमी है, ये कितना क्रीमी है, क्योंकि नमस्ते इंडिया का जो कर्ड है वो इतना क्रीमी है, जो उससे आपने हंकर्ड भी बनाया है वो भी उतना ही क्रीमी, और इतने ही अच्छे और लजीज आपके कबाब बनेंगे क्योंकि आपका दही जो है वो इतना अच्छा है। अब इसके अंदर हम लोग अपना सामान डालेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी बेसन, भुना हुआ बेसन। इसमें डालेंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्स, नमक और काली मिर्च, और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने चॉप करा हुआ ये डालेंगे, और ये रहा लाल पीली हरी शिमला मिर्च और हरी मिर्च। ये सब आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसके अंदर डालिए। तो शुरू करते हैं। ये हमने डाल दिया बेसन, ये ड्राई फ्रूट, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। इसमें आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। मेरे घर में नहीं खाते तो मैं नहीं डालूंगी। ये मैंने काली मिर्च डाल दी है, आप डालेंगे इसमें बाकी चीज़ें। थोड़ी सी हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना तीखा आपको पसंद है। हरी मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च टू गिव इट अ नाइस कलर, एंड येलो शिमला मिर्च। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके थोड़ा सा हाथ में हम तेल लगाएंगे और इसके हम छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। ये मिक्सचर रेडी हो गया है और मैंने इसके कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको आप बनाते जाएंगे इसके कबाब, और इसको हम अब रखेंगे फ्रिज में कबाब बना के फॉर मिनिमम हाफ एन आवर, ताकि ये सेट हो जाएं और जब हम इनको तलें तो ये टूटे नहीं। तो ये आपका 1 लीटर जो दही था उससे हमारा 400 ग्राम बना है हंकर्ड, और हमारे इसमें से कम 30 से 35 कबाब इससे इसके बनेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज दैट यू आर मेकिंग। तो मैं इसको बना के फ्रिज में रखती हूँ
और फिर आपको दिखाती हूँ इसको हमें फ्राई कैसे करना है। हाफ एन आवर हो गया है हमारे कबाब को फ्रिज में। अब हम एक एक करके इसमें डालेंगे। ये मैंने एक पहले डाल दिया था, ये देखिए बाहर से क्रिस्प और अंदर से एकदम नरम बनेंगे आपके कबाब। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम में हम करेंगे। बहुत हाई फ्लेम पर भी नहीं इसको करेंगे हम, मीडियम टू हाई फ्लेम। ये देखिए ना ये चिपक रहे हैं ना कुछ हो रहा है। इसका प्रोपोर्शन एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको। हमने 1 लीटर लिया है दही, जिसका हमने हांकर्ड बनाया है जो 400 ग्राम बना है। उसमें मैंने 4 पीस जो है फ्रेश ब्रेड क्रम्स के डाले हैं, 4 पीस ब्रेड के ब्रेड क्रम्स डाले हैं। एक छोटी कटोरी बेसन डाला है भुना हुआ, नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और सब्जियां आपने देख ली थी क्योंकि बच्चों को सब्जियां देनी ज़रूरी है इसलिए मैं डालती हूँ। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो बनाएं दही के कबाब, अपने घर में सबको खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा लजीज और स्वाद बनते हैं। चाहे आप इसको आप परौंठी के साथ खाएं, चाहे आप लच्छा पराठा के साथ खाएं, चाहे मालाबार पराठा के साथ खाएं, चॉइस इज टोटली योर्स। तो इसको अब हम बनाते हैं और आपको फिर मैं सर्व करके दिखाती हूँ। जब थोड़ा सा सेक लगना शुरू हो जाएगा कबाब को तो आप इसको फिर हाई फ्लेम पे कर लें। ये देखिए अब ये रेडी है एकदम। ये रहे हमारे कबाब एकदम रेडी, हमारे नमस्ते इंडिया के दही से बने हुए हमारे लजीज दही के कबाब। ये अंदर से देखिए इतने सॉफ्ट और बाहर से उतने ही क्रंची। सो खाएं, खिलाएं और सबको बना के खिलाएं अपने घर में, और दही यही इस्तेमाल करें नमस्ते इंडिया का, और आप देखेंगे कितना फ़र्क है टेस्ट में जो आप दूसरे किसी दही से बनाते हैं दही के कबाब और नमस्ते इंडिया के दही से जब आप कबाब बनाएंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ज़रूर बनाएं, घर में सबको खिलाएं, एंड डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।